नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। 200 टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। पीवी सिंधु ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब वे मेडल से सिर्फ एक जीत की दूरी पर हैं। वहीं हॉकी में भारत ने जापान को 3-2 से हरा दिया है। और बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग में भारत के लिए लवलीना ने पहले ही मेडल पक्का कर दिया। दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हरा दिया है। और ये मैच 56 मिनट तक चला। सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने से अब सिर्फ एक जीत की दूरी पर है। रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु और यामागुची के बीच ये मुकाबला अब तक की 19वीं भिड़ंत थी। इसमें सिंधु ने 12वीं बार जीत दर्ज की है। मैच के दौरान यामागुची 5 बार कोर्ट पर गिरी। दूसरी ओर पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए के आखिरी मैच में जापान को 3-2 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में एंट्री की है। भारत की ओर से गुरजंत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। उससे पहले दिन की शुरुआत में भारत के लिए शानदार खबर आई जब महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए एक मेडल पक्का कर दिया था। हालांकि एक और महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हार कर बाहर हो गई हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी भी क्वार्टर फाइनल में मुकाबला हार कर मेडल की होड़ से बाहर हो गई हैं। दोस्तों, फिलहाल टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरों में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको खेलों से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती है।